आज क्यों ऐसा होता है भाई जो हम लोग YouTube में घंटों घंटों देखते हैं लेकिन घुटने में क्यों नहीं आते? मतलब मेरा यीशु YouTube से सस्ता हो गए हैं? यीशु का खून सस्ता हो गया है? मेरे को अभी भी याद है जो इंसान को भी लेके डेथ प्रोफेसी आज तक 970 धन का डेथ प्रोफेसी हुआ। एक बार मैंने सवाल पूछता हूं, एक बार प्रभु क्यों इसका ऊपर जीवन नहीं आता, क्यों ये ठीक नहीं होता? मेरे को प्रभु दो ही बात बताते हैं। एक बात है तू जैसे गिड़गिड़ाता है ना वो नहीं गिड़गिड़ाता है, दूसरी बात बताते हैं मेरे अनुग्रह को इन लोग नहीं पहचाने, मेरे अनुग्रह को इन लोग नहीं पहचाने। अरे एक व्यक्ति ने मेरे को कहने लगा देखो सर वो कैसा तड़प रहा है, वो मर रहा है, वो चिल्ला रहा है। जब खून में लथपथ होके मेरा जिंदा खुदा यीशु जब तड़प रहे थे उसको दिखाई नहीं देता? जब पाप करते हो, जब बुरी सोच आता है उस समय रियलाइज नहीं होता है मेरा यीशु तड़प रहे थे सूली पर, मेरा यीशु तड़प रहे थे। आज ना वचन बांधना एक बहाना हो गया है, आज ज्यादा करके लोग फारूसी बन गए हैं। क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो, क्यों ऐसा होता है? आखिर में देख के भी हम लोग क्यों चुपचाप रहते हैं? वो इंसान जो कि चोर था और आखिर में ये कहता है मैं तो चोर हूं, मैं अपना गुनाह को मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन कल मेरे को याद करना प्रभु जो आपको इतना प्यार करते हैं, जो आपके लिए सूली पर चढ़ गए, आज भी वो तरसते हैं कब मेरा बेटा लौटेगा, कब मेरी बेटी लौटेगी, कब मेरे को एक बार पुकारेगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। उस दिन वो चुंगी लेने वाला रोते रोते गिड़गिड़ाते खुद की और आंख की आंसुओं से कहने लगा मैं काबिल नहीं हूं। आज हम लोग की प्रार्थना में कोई गिड़गिड़ावाट नहीं है, हम लोग की प्रार्थना प्रभु की इच्छा से नहीं होती है। आज भी मेरे को लोग सवाल करते हैं आप क्यों मेरे लिए प्रार्थना नहीं किए? एक घंटा क्या यहां पर मैं गाना गाता हूं, एडवर्टाइज करता हूं? आप सबों के लिए रोजाना 8 घंटा प्रार्थना होती है लेकिन आपके पास 8 मिनट नहीं होती है घुटने में आने के लिए। एक इंसान के जीवन में नम्रता को पहचानने के लिए प्रभु को पूछना जरूरी होता है, प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में क्या है? कितने लोग आज प्रार्थना करते हैं खुद की इच्छा को ना पूछ के प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए? पहली बात है वो है अधार्मिक व्यक्ति के लिए नर्क की रास्ता खुला है, जो कि हम लोग ऐसा उसका 33:14 पढ़े। दूसरे लोग वो नर्क में जाएंगे जो कि मत्ती उसका 5:22 और याकूब 3:6। यहाँ पे हम लोग एक विषय को सुनते हैं जो कि अपने भाई को ही मूर्ख कहे, जो कि अपने भाई को ही निंदा दे वो नर्क स्थान में यानी कि विचार स्थान में यानी कि उसका ऑपोजिट। और सीधा हम लोग अगर समझे तो फिर नर्क की खड़ी में, नर्क के स्थान में, विचार के स्थान में कहने का मतलब
आज हम लोग कितना आसानी से हम लोग दूर की बाहर की बालों की दूर की खुद की घर के बारे में हम लोग बताते हैं, खुद की पत्नी के बारे में हम लोग बताते हैं, अरे मेरे पत्नी अच्छा नहीं है, वो बेकार है, अरे मेरा भाई कभी, अरे वो बेकार इंसान है यार। दूसरों के जाना आना रहना ठीक है, लेकिन खुद का घर में ना रहना ठीक नहीं। आपको ये मालूम है आपका मुंह में कितना एनॉइंटिंग है? आपको ये मालूम है आप जिस मुंह पर याकूब की पुस्तिका से लेकर ये लिखा गया, आप जिस मुंह में प्रेज द लॉर्ड कहते हो, आप जिस मुंह में प्रार्थना करते हो, आप उसी मुंह से दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों के बारे में आप चर्चा करते हो, आप जिसको लेके आत्मिक जीवन के उन्नति होने के बारे में समझाते हो उसी के साथ आप फिर दूसरों विश्वासी के अगेंस्ट में दूसरे भाई के बारे में चर्चा करते हो, हाउ इट इज पॉसिबल टू इंप्रूव योर स्पिरिचुअल लाइफ? आपके जीवन में आशीष आना कैसे संभव है? आपके जीवन में आत्मिक बढ़ना कैसे संभव है जबकि आप अपने मुंह से प्रार्थना करें और अपने मुंह से दूसरों की निंदा करें? इसीलिए मेरा यीशु ने कहा, हां की बात हां होना है, ना की बात ना होना है, और उससे ज्यादा अगर कोई दूर से बाहर से अगर आता है तो फिर यह शैतान से आता है, अंधियारा से आता है। अंधियारा जीवन नहीं देता, अंधियारा जीवन को बर्बाद करता है, शैतान जीवन को नहीं देता। अरे शैतान खाली लालच है, पाप की लालच है, खुद को खोखला करके छोड़ेगा, खुद की जीवन को नष्ट करेगा, लेकिन यीशु के सामने में आना जीवन को पाना। यीशु के सामने आए उस दिन जो अंधा उसको पूछने लगे, तेरे को क्या चाहिए? क्यों आपको मालूम है? क्योंकि वो अंदर से गिड़गिड़ा था, हे दाऊद की संतान यीशु, हे दाऊद की संतान यीशु, किसने कहा तू चुप कर? आज परिवार में अरे क्या प्रार्थना कर रहा है? आप धन्य हो कोई आपके लिए, कोई आपके परिवार में प्रार्थना करता है। आपको लग रहा होगा ये ज्यादा धार्मिक दिखा रहा है, लेकिन हाँ उसके लिए आपका सेफ्टी कितना होता है आपको मालूम है? उसके लिए आपके परिवार में कितनी आशीष आती है आपको मालूम है? मेरे प्रियो, वो गिड़गिड़ाने लगा, हे दाऊद के बेटा, हे दाऊद की संतान, एक बार सुन। कई लोग आए, अरे मुंह बंद कर, लेकिन वो मुंह बंद नहीं किया, वो तट के खड़ा था। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक का पहचान दे रहा था। दानियल तट के खड़ा था, सिंहों ने मुंह को खोल कर और जब क्या हुआ, जब आवाज निकालने लगे वो डट के खड़ा था। ओबे सदरक मैसक तीनों को आगो को दिखाया गया, कितना गुना आगो को बढ़ाया गया, अरे भाई वो डट के खड़ा था। भविष्यवक्ता दानियल को महल से निकाला गया, वो डट के खड़ा था। यूसुफ को और जेल के अंदर गाड़ा गया, वो डट के खड़ा। अगर साधारण फोन को ला जाए, आप तट के खड़ा नहीं हो सकते,
आप तट के खड़ा नहीं हो सकते, क्यों? आपको एनॉइंटिंग नहीं चाहिए, आपको आशीष नहीं चाहिए। आपको अगर एक कॉल आ जाए आप दूर भागोगे। अरे हवा और आदम ने जिस दिन गुनाह किया, पाप किया, उस दिन परमेश्वर के जैसे ही आना सुने, हवा हवा आदम कहां हो, उन्होंने जाके छुपने लगे। लेकिन पहले पापा पापा कब आओगे, रास्ता देख रहे थे। आप अपना घर में जरूर आपका बेटा या बेटी होगा जो कि राह पर होते हैं, मेरे पापा मेरे लिए डेयरी मिल्क लाएंगे, मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, मेरे पापा मेरे लिए बिस्कुट लाएंगे, मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लाएंगे। लेकिन ये दोनों बेटा बेटी उस दिन जाके छिपे हैं। आप छिपने लगोगे जिस दिन आपके अंदर पाप आ जाए, आप छिपने लगोगे, आप दूर भागने लगोगे। मैं नहीं कह सकता खाली प्रभु के दास से, टावर से आप दूर जाओगे, अपने कलसिया से आप दूर जाओगे, अपने दास से आप दूर जाओगे। आपको मालूम है जब मार्केट पर आप चलते रहोगे, ऐसे बातें करते रहोगे, आपको मालूम है आपका नजरिया अगर देखना ठीक होगा, कोई एनोइंटिंग पर्सन अगर इस रास्ते से चलने लगे, अरे अरे वो जा रहा है, हम लोग किनारा हो जाते हैं। अरे वो जा रहे, अरे हम लोग का पास्टर सर है, अरे हम लोग का प्रभु के दास है, अरे अरे कहीं देख लेंगे। एक इंसान ने सोचा, मैं अगर बाहर जाऊंगा पाप करने के लिए तो फिर मेरे को कोई नहीं देखेंगे। वचन में लिखा गया है, आप पत्थर के पास पाप करोगे, उस दिन का पत्थर चिल्लाकर ये कहने लगेगा, पत्थर बोलेगा, ये मेरे सामने में पाप किया है। आज हवा आपके लिए जहरीली बनती है, आप सांस नहीं ले पाते हो, क्यों? आप हवा के पास पाप करते हो, उस हवा आपके लिए पाप बन जाता है। प्रभु की वचन क्यों ये नहीं लिखा है? क्या समुद्र में चलते समय रेनकोट पहन के चले, समुद्र के कीचड़ में रास्ता जब बना क्या, और यहाँ पे बहुत सारे जीव है उनका इन्फेक्शन हो जाएगा, एक बुलेट प्रूफ जैकेट लेके हम लोग चले? नहीं, नाला का पानी पीने से भी उनको बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज अक्वा गार्ड का पानी पीने से भी बीमारी होता है, किडनी फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान का सोच गिर गया है। क्यों? उन लोग वो फारूसी है जो कि खुद के अंदर नम्रता नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु की अनुग्रह को खत्म मत करना, प्रभु की अनुग्रह को खत्म मत करना। एक इंसान का शरीर में अगर घमंड है ना, नम्रता कभी नहीं रह सकेगा। बाद में ये ना कहना, मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरा प्रभु मैं पुकार रहा हूं नहीं सुन रहा है। वो एक बार सूली पर आए, दोबारा सूली पर नहीं आएंगे। बेटा ये लिखा गया है, सब दुनिया उसको देखेगा, जबकि वो सिंहासन दूतों लोगों के साथ एंजल्स के साथ वो आएंगे, दोबारा उनका खून आपके ऊपर छिड़कने वाला नहीं है। आज समय है, खुद का समय को मोबाइल में ना दो, खुद को मोबाइल में गिर भी मत करो, खुद को पाप में मत ढकेलो, खुद चोक के तले, खुद को निंदा के तले मत ढकेलो। आज समय है खुद का मन को परिवर्तन करो, ताकि आप आशीषित हो जाओ, आपके परिवार में खुशियां आ जाए। यहाँ पे मैं कोई नहीं बोल रहा हूं संपत्ति चाहिए, टावर में ज्यादा लोग चाहिए, कोई MP MLA होने वाला मैं नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं, वो इंसान, हर इंसान को आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन बदल जाए। अपना दान को कलशिया पर दे दो, अपना दशमांश को कलशिया पर दे दो। आप इसीलिए सारों पे चावर कभी भी रविवार को उपासना नहीं रखेगी, कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक विषय में टावर में आपको विनती करते, अपना धार्मिकता को मत, अपना धार्मिकता को मत कहना, मत खोना। किसी ने कहा, यीशु के पास आकर नम्रता के साथ, मैं स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूंगा? और उनसे यीशु ने कहा, तू अपना पिता माता को समादर कर, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना। उसने कहा, ये सब मैं करता हूं, ये सब मैं पालन करता हूं, लेकिन आखिरी घड़ी में प्रभु उसकी ओर एक लय से देखता है, और उसको ये कहते हैं, प्रभु तेरे अंदर एक कमजोरी है, और वो है तू अपना संपत्ति को हर दरिद्र इंसान को दे दे। प्रभु आपकी कमी को देखेगा। आप ये मत सोना, मत ये सोचना कि आप ये चीज करते वो चीज करते, आपका कमजोरी क्या है ना, उसको प्रभु देखेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की फल
जो कि कहती है नम्रता प्रेम, ये जो आप पढ़ाई की हो और पढ़ने लगोगे उसमें एक बातें को लेके कंप्रोमाइज प्रभु के वचन नहीं किए। मेरे प्रियो आज हम लोग को लौटना चाहिए प्रभु के पास, प्रभु के पास गिड़गिड़ाना चाहिए। याद रखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सुबह 4 बजे से 6 बजे अगर आप फ्री रहते हो, आपकी बिस्तर आपके लिए प्यारी है तो बिस्तर छोड़ दीजिए। हर दिन हर समय में वो उदाहरण मैं देने के लिए तैयार होता हूं। किसी ने कहा मेरा बेटा मेरे पास लौट आया, 20 साल दारू पीता था, 20 साल एक पापा का अधिकारी, पापा का प्रेम मैंने नहीं पाया, लेकिन कितना दिन हुआ ज्वाइन करके आज मेरा बेटा मेरे पास लौट आया। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को मौका मिला है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, आज हम लोगों को मौका मिला है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कल समय ही ना हो आपके पास, आपको ये जरूर मालूम होगा, मेरे पास कई लोग आते हैं कहते हैं मेरे को ना दिन में भूख होता है ना मेरे को रात में नींद होती है। ये बीमारी आने से पहले आप बीमारी को भगा दो। आज ऐसे इंसान लोग आते हैं जो कि ये कहने लगते हैं मेरे को ना भूख लगता है ना नींद होता है, मैं सोने के लिए कोशिश करता हूं लेकिन मैं सो नहीं पाता। अपना बिस्तर छुड़ा के ना ले, हम लोग का जो आशीष है अपना बिस्तर छुड़ा के ना ले, अपना नींद छुड़ा के ना ले। इसीलिए प्रभु ने कहा आत्मा इच्छुक है पर शरीर दुर्बल है। अरे ये शरीर अपना शरीर है, ये शरीर हम लोग को बांध नहीं सकती, ये शरीर की कमजोरी हम लोग को प्रभु में बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन काटने के लिए वादा नहीं दे सकती, क्योंकि अपना शरीर है, इसके अंडर में हम लोग नहीं है, हमारे अंडर ये है। हम लोग जो चाहे वो करेंगे, हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है ये एक पात्र है प्रभु के लिए, ये वो पात्र मंदिर है, पवित्र आत्मा के लिए मंदिर है, यीशु के लिए एक घर है। इसीलिए आघात करीबा जीव माने गृह द्वार खोलिबे, आमे से मानक मध्य रे बास करीबा, खोली थीबा कबाट बंद थीबा कबाट को आमे खोली देबा।
बंद थिबा कबाट को आमे खोली देबा, बंद रही थिबा दुर्बलता को आमे काढ़ी फोपाड़ी देबा। आज समय अच्छे आशीर्वाद पात्र हेबापाई, आज समय अच्छे निज स्त्री सम्मुखे उदाहरण हेबापाई, आज समय अच्छे निजर स्वामी सम्मुखे उदाहरण हेबापाई, आज समय अच्छे निजर माँ बापा सम्मुखे उदाहरण हेबापाई। पुओ झ सोइथिबे आखि खोलिला बेलकु आपण प्रार्थना रे थिबे, पुओ झ देखिबे मो बापा मो पाई प्रार्थना करिछि, पहांतिया चारिटा बेले मो बापा मो पाई प्रार्थना करिछि, आंटु भांगुछि। आपण को सहित होछि ना नै मु जानि नै, मो सहित ताहा हुए। मो तीनि वर्षर कुनि छियो मते पचारे, बाबा आज तुम्हें मो पाई प्रार्थना करिछ? जदि आपणकर अठर वर्षर पुओ आपण को पचारिबो बापा मा मु केबे देखि नै गो तु मोर पाई आतो अध घंटा डाकिबाटा, मु केबे सुनि नै तु मोर पाई प्रार्थना करबा विषय, तु केमिति प्रेम मते करुछु? तोर प्रेम रे प्रार्थना नाई, तोर प्रेम रे खाली लालसा थाउछि, मु इनकम करिकि आनिले तु पैसा मागिबु। आजिकालीर माँ माने मध्य डिजिटल माँ माने एटीएम कार्ड को पुओ चाकरी करूथिबो रखिथिबे, काहे कि बहु बेसी किणा किणी करी खर्च करि दबो एतिपाई। जानिछन्ति एत उपदेश 22 पर्वर चारि पद लेखा जाए, नम्रता सदा प्रभु विषय को भयर पुरस्कार धन सम्मान जीवन अटे। गत दिन मानक प्रोफेसी हेतिला 4-5 तले बहुत विश्वासी मान प्रभु जान बाहन देवा को जाउछन्ति। एमिति टावर रे 22 जन मते फोन करथिले, आउ जियु माने नूतन जान बाहन नै आसिले, नूतन घर तयारी करले, सीमा नै सीमा नै। एति पाई कुआ जाय जिसाई 45 पर्व रे आंबे तुमरो दक्षिण हस्त धरिबा, जिसाई 45 रो 3 पद रे अंधकार वृत धन रो भंडार आंबे तुमको आनी कि देबा। एति पाई इजराइल संतान मानकु निजे प्रभु कहिले, जेतेबेले तांकर बड़ संतान माने मरि गले आउ से कहउछंती तांकर पडिसा मानकु को से माने अलंकार मागिबे, सुना गोणा मागिबे। निजरो छुआ मानकर मृत्यु हेला परे भारो राजा को निकट रही लोक मान पाखे अलंकार मूल्य रहिला नाई, किंतु जो माने चाकर दरिद्र से मानकु दान दे देले, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। आपण जानते सेई सुना को लेकि से माने कोन कले, गोटिए सुनार बाछुरी तैयारी करले, गोटिए प्रतिमा तैयारी करले। आज चाकरी मिलू नहीं चाकरी मिलू नहीं, आज टंका मिलू नहीं, आज गाड़ी मिलू नहीं। गाड़ी मिलला परे सेई गाड़ी रे हमें कोन करबा, निजर गर्लफ्रेंड को हमें बसई के टाइम स्पेंड करबा, सेई गाड़ी रे हमें पार्टी करबा को जीवा, मद पीबा को जीवा, सेई गाड़ी रे हमें मद पीबा को जीवा, सेई गाड़ी रे हमें पार्टी करबा को जीवा। रिटर्न हेला बळ को जदी घरे कहारो देह खराब चाहिए, रिटर्न हेला बळ जदी टायर फाटी, जदी ब्लास्ट होची, पंचर होची, एक्सीडेंट होची, अरे से लोक तो भाई एते प्रार्थना करूथिला, से लोक तो गोटे चर्चर दायित्व नउथिला, से लोक तो प्रभु को निकट रे रहउथिला, ताले वाक्य खराब कि तो सहित 91 अनुसार आंबे तुमरो चतुर्पार्श्व रे दूत मानको देबा, सूर्य किबा चंद्र तुमरो आघात करिवो नाही, तुमरो पाद पत्थर रे बाजिवो नाही। मो प्रिय माने अभिषेक दरकार, नम्रता दरकार, प्रार्थना मय जीवन दरकार। एमिति गोटिए व्यक्ति नांती जे कि प्रार्थना न करिके आगु को बढी छथि, दाऊदंकर प्रार्थना बही सरी जाउछि, सलोमनकर प्रार्थना ज्ञान आनी दउछि, मोसांकर प्रार्थना 10-10 मिराकल होउछि, समुद्र तिभाग हो जाउछि, दानियल रो प्रार्थना सिंह मानकर मुख बंद हो जाउछि, राजा मानक सम्मुख रे छिया होछथि। हमरो प्रार्थना रे साधारण मुंड बथा दूर हबो नै, आमर प्रार्थना रे साधारण अंटा बथा दूर हबो नै, आमर प्रार्थना रे साधारण मेडिकल रिपोर्ट चेंज हबो नै। एक ही आश्चर्यर विषय नाही मो प्रिय माने, आमे निजर समस्या को बहुत बड़ करि दउछु, आउ प्रभु जीशु को आमे छोट करि दउछु, आमे सीमित रखि दउछु। ब्लॉक ऑफिस रो काम अछि सार, मते चाकरी हे जाउ सार, मु गोटे रिहैबिलिटेशन रे चाकरी पकै छी, चाकरी हे जाउ, प्रभु को दास आंटू भांगिबे, चाकरी हे जाओ चाकरी हे जाओ चाकरी हे जाओ। से जाकि ब्लॉक ऑफिस को था पियोन को पियोन पके था आ ऑफिस को पकरे था क्लोर पकरे था काम करते हो प्रभु पकरे आली आई के सुनवा था। हां प्रभु को दास को उत्तर आसे नेगेटिव, प्रभु को दास पके उत्तर आसे नेगेटिव। गोटे लोको जे कि कहिला प्रभु तमे कहो
मु विश्वास करुची मोर झी मरी ना प्रभु कहले जा सोई छी जा सोई छी जा से झी मरी जाईतिला किंतु से लोकर विश्वास पाए से लोक निजर झी को जीवन पाइबा देखु छी विश्वास रे कोन होबो नै सेति पाई को आगला विश्वासी मानकर प्रार्थना रे उत्तर अछि आजि सुजोग अछि निजर परिवार को परिवर्तन करबा पाए आज सुजोग अछि निजर छुआ मान को समक्ष रे उद्धार हेबा पाए आज सुजोग अछि निजर परिवार समक्ष रे उद्धार हेबा पाए प्रभु ए वाक्य दे आप समस्त को आशीर्वाद करंतु।